प्रथम तहलका न्यूज जीन में जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कंडेला खाप के प्रधान टेकराम ने कहा कि कंडेला खाप किसानों के साथ खड़ी है और हर तरह से किसानों की सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिसार कैथल रोहतक में खापे किसानों को समर्थन कर रही है हरियाणा की सभी खाप समर्थन करेगी उन्होंने कहा की एम के रेट की सरकार को गारंटी देनी चाहिए और पंजाब के किसान जो भी फैसला करेंगे उस पर हरियाणा के किसान उनका साथ देंगे उन्होंने ने कहा कि हरियाणा के किसान भी आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के किसान तथा अन्य राज्यों के किसान भी इस आंदोलन में आगे आ रहे हैं टेकराम ने कहा कि किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वे वापस होने चाहिए उन्होंने कहा कि कंडेला खाप के लोग किसानों की हर तरीके से मदद कर रहे हैं और अब सर्दी का समय है सरकार को किसानों के मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए जब ये आंदोलन दिल्ली में चला था कई दिन पहले उसमें कंडेला खाप के जो बारे ट्रैक्टर शुरू में गए थे यहाँ पर जो कंडेला खाप का जो रोड के ऊपर धरना लगिया हुआ है उसमें हमने हर प्रकार का सहयोग दिया ट्रैक्टरों के लिए किया उनको और उनके लिए सब्जी वगैरह जो आटा है और सब्जी है शेर गुदड़ा है जितना भी हमने पूरा प्रबंध कराया उनके लिए और उसमें हमने पूरी तरह से कंडेला खाप ने पहले ही इसका समर्थन कर दिया था और आज टीवी वी में दिल से सभी अखबारों में या उनमें हमने सबको दे दिया है इस बात का और हमने सभी गांवों से कहा है किसानों से भी इसमें हर रोज के कम से कम पचास सौ आदमी हर रोज धरने में शामिल हों और कंडेला खाप पूरी तरह से तन मन धन से किसानों के साथ है और किसान और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को मांगों को गंभीरता से लें और इसका समाधान जल्दी करें क्योंकि सर्दी का समय है सर्दी में किसानों को भी बड़ी भारी परेशानी हो रही है वहाँ पर है, जो धरने पर है तो इसलिए केंद्र सरकार ने इसको गंभीरता से लेकर और किसान यूनियन के नेताओं से भी मैं आग्रह करता हूँ कि वो इसको मामले को बात करके जल्दी से जल्दी, जल्दी केंद्र सरकार जल्दी सुलझाए प्रदेश प्रदेश की कितनी खापों ने समर्थन दिया है बात की देखिए कल रोहतक में भी बीस पच्चीस खाप इकट्ठी हुई थी और अलग अलग खापें अपने अपने जगह पर जिस तरह कैथल है इसहार है उधर है सांगवान खाप उधर है जो जितनी मलिक खाप है सब अपने अपने खापों के जो नुमाइंदे हैं वो अपने अपने आदमियों को भेज रहे हैं और सभी हरियाणा की तकरीबन सभी खापें इसका समर्थन करेंगी क्योंकि किसान सभी किसान हैं और किसान का मुद्दा एक देश में सबसे मेन मुद्दा है और हम ये चाहते हैं कि, कि इस तरह किसानों पर जो एमएसपी का जो रेट है वो गारंटी होनी चाहिए इसके एमएसपी की लोगों का ये भ्रम पैदा है कि ये एम सरकार खत्म करने जा रही है मंडी ख़त्म होने जा रही है मंडी भी ऐसे चालू रहनी चाहिए और एमएसपी भी चालू होनी चाहिए और जो किसान के जो आंदोलन ये तीनों कानून है इसमें संशोधन जो किसान यूनियन के जो पंजाब के जो हमारा अगवानी पंजाब कर रहा है पंजाब के जो भी फैसला करेंगे उसके ऊपर जो अडाइटमेंट करनी है उसमें जो भी बात करके उनसे बात करें कृषि मंत्री करे गृह मंत्री करे प्रधानमंत्री करे उसको समाधान करे जल्दी से जल्दी अच्छा सीएम खट्टर कह रहे हैं कि किसान नहीं है इस आंदोलन में नहीं 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 इसमें देखो वो पहले तो अगुवाणी तो शुरू में तो पंजाब के लोगों ने थी लेकिन दो तीन दिन से तो किसान हरियाणा के खूब जाने लग रहे हैं और हरियाणा के तो खापों ने भी सारा पूरा डट के हर रोज़ जाने लग रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं इसमें उत्तर प्रदेश के जैसे राकेश टिकेत है और हैं सभी आने लग रहे हैं और ये तो आंदोलन हम तो ये कहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से देखो आंदोलन करने का सबका अधिकार रोकना नहीं चाहिए और हम ये भी चाहते हैं जो किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सारे उल्टे उड़े चाहिए और किसानों की मांगों को जल्द से जल्द मानना चाहिए दरअसल लगातार आंदोलन कर रहे किसानों को अब हर वर्ग और हर संगठन का समर्थन मिलता जा रहा है और इस कड़ी में कंडेला खाप के प्रधान टेकराम ने भी साफ कर दिया कि कंडेला खाप किसानों के साथ खड़ा है प्रथम तहलका के लिए जीन से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट